नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है। पाकिस्तान फिर फ्रंट लाइन स्टेट बन रहा है। कॉलम निगार हैं मोहम्मद बिलाल गौरी और आवाज़ है मलीहा अमीन की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। जोसेफ स्टालिन ने कहा था, जब सरमायादारों को फांसी देने का वक्त आएगा तो वो फांसी के फंदे बेचकर मुनाफा कमाने से भी बाज नहीं आएंगे। तल्ख हकीकत यही है कि बदतर वाकयात भी किसी न किसी के लिए बेहतरीन मौके लेकर वारिद होते हैं। अपनों की जुदाई के गम में निढाल लोगों को क्या मालूम कि लोग मरना छोड़ दें तो तजहीज़ व तकफीन के शोबे से वाबस्ता बेशुमार लोग फाकों पर मजबूर हो जाएं। फूल बेचने वालों से कफन फरोख करने वालों तक सब बेरोजगार हो जाएं और गोरकन के घर का तो चूल्हा ही बुझ जाए। इसी तरह जंग भी कितनी ही भयानक क्यों ना हो, उसके तबाहकुन असरात के दौरान कितनी ही कंपनियां मुनाफा कमा रही होती हैं और उनका कारोबार तभी फलता फूलता है जब जंग के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अमरीकी मुसन्निफ जॉर्ज ओवरवेल ने कहा था, किसी गैर मुल्क से जंग तभी होती है जब मराहत याफ्ता तबके को यकीन होता है कि इससे मुनाफा कमाया जा सकता है। अब तो ये बात खुला राज है कि असला साजी की सनत से मुंसलिक लॉबी अपनी कठपुतलियों के जरिए मुतहारिब ममालिक को इश्तियाल दिलाती और जंग पर उकसाती हैं। जब जंग के इम्कानात बढ़ जाते हैं तो हम जैसे गरीब ममालिक की भी सुनी जाती है और जुग्राफियाई अहमियत में इजाफा हो जाने से भाव ताव की गुंजाइश पैदा हो जाती है। जैसे 9/11 के बाद अमरीका अफगानिस्तान पर हमला आवर हुआ तो डॉलरों की बरसात से हम भी मुस्तफीद हुए। यही वजह है कि ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के अमरीकी ड्रोन के जरिए मारे जाने के बाद एक बार फिर ये बहस चल निकली है कि पाकिस्तान को इस कश्मकश में क्या करना चाहिए। ये सवाल सुनकर एक बार तो हंसी छूट जाती है, क्योंकि मजबूरियों और लाचारियों का ये आलम है कि हम अपनी मर्जी से किसी आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, तो अमरीका बहादुर के खिलाफ खड़ा होने की अनहोनी कैसे मुमकिन है। पतली गली से निकलकर इज्जत बचाने का एक रास्ता तो ये है कि वजीर आजम इमरान खान दोनों ममालिक में सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश कर दें, मगर हर बार इस मौकफ का इआदा किया जा रहा है कि हम किसी मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इससे एक नई बहस ये छिड़ गई है कि क्या अमरीका को इस मामले से निमटने के लिए हमारी सरजमीन दरकार भी है। इस वक्त ईरान के चारों तरफ अमरीका के फौजी अड्डे मौजूद हैं। अफगानिस्तान में 14,000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं। कतर में ना सिर्फ अमरीका के फौजी अड्डे हैं बल्कि 13,000 फौजी मौजूद हैं। इस तरह कुवैत में 13,000 जबकि बहरीन में 7,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं। ईरान ने इसी तनाजुर में धमकी दी है कि अगर अमरीका ने इस पर बमबारी की तो जवाबी कार्रवाई के तौर पर इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमला किया जाएगा। इसी तरह ओमान, उर्दन, शाम, सऊदी अरब और इराक में भी अमरीकी फौजी दस्ते मौजूद हैं। आबनाए हरमूज के करीब अमरीकी बहरी बेड़ा मौजूद है। जब अमरीका ने ईरान को चारों तरफ से घेर रखा है तो उसे पाकिस्तान की ज़मीनी हदूद की क्या ज़रूरत। ये इस्तदलाल बड़ी हद तक दुरुस्त है कि अमरीका को ईरान के खिलाफ महाज में पाकिस्तान की मदद इस तरह दरकार नहीं होगी जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अगाड़ी रियासत का दर्जा दिया गया था। लेकिन जंग के शोले भड़क उठे तो न सिर्फ पाकिस्तान उसकी जद में आएगा बल्कि अमरीका के लिए इस खित्ते में पाकिस्तानी तावुन हासिल करना नागुजीर हो जाएगा। यही वजह है कि अमरीका की तरफ से न सिर्फ पाक फौज की तरबियत का प्रोग्राम बहाल कर दिया गया है, दीगर मामलात से मुतालिक बातचीत का सिलसिला भी जारी है। एक अहम तरीन सवाल ये है, ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं? ईरान अमरीका को बराह रास्त निशाना नहीं बना सकता और ना ही ईरान की अफवाज और जंग की सूरत में दिफा का अमरीकी इस्तेदाद से मवाजना किया जा सकता है। तो फिर ईरान किस तरह जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला ले सकता है? ईरान की असल ताकत इस खित्ते में मौजूद उसकी प्रॉक्सीज हैं। इराक, शाम और यमन में कई मुसल्लह ग्रोह ईरानी हुकूमत के इशारे पर अमरीकी मफादात को निशाना बना सकते हैं।
جیسا کہ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملہ کیا گیا ہے، اس طرح کی مزید کارروائیاں کی جا سکتی ہیں۔ اگر ان حملوں کے جواب میں امریکہ نے حکمت کے پیش نظر تحمل اور برداشت سے کام لیا تو شاید تناؤ کی کیفیت کم ہو جائے۔ لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے نومبر میں ہو رہے صدارتی انتخابات میں اپنی ریٹنگ بڑھانے کی غرض سے جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے بڑی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا تو صورتحال نہ صرف گمبھیر ہو جائے گی بلکہ دونوں ممالک کے اتحادی بھی اس جنگ کی زد میں آ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر معاملے کو مذہب اور مسلک کی عینک سے دیکھنے کا رجحان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طبقہ ایران کی مخاصمت اور مخالفت میں ادھار کھائے بیٹھا ہے، اس کی طرف سے اصرار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ لین دین کر کے اپنا حصہ وصول کرے اور اس جنگ کا ہراول دستہ بن جائے، جبکہ دوسرے طبقے کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے برادر اسلامی ملک کا ساتھ دیتے ہوئے امریکہ کے خلاف کھل کے میدان میں آ جانا چاہیے۔ یہ دونوں موقف انتہا پسندانہ اور حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔ پاکستان اس کشمکش میں کسی فریق کا ساتھ دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ خطے میں بالادستی اور ملکی مفادات کی جنگ ہے اور پاکستان کے لیے دو دھاری تلوار ہے، اس لیے اس ضمن میں سب سے پہلے پاکستان کی پالیسی اپنائی جائے تو بہتر ہوگا۔ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرا کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔